दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर बस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर बस क्या होती है, ये किस तरह से कार्य करती है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज क्या क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पर आप लोगों को बताया कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज कंप्यूटर बस, कंप्यूटर बस क्या है, ठीक है, व्हाई इज कॉल्ड कंप्यूटर बस, ठीक है, जो कंप्यूटर बस होती है उसको कंप्यूटर बस क्यों कहा जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बस, कंप्यूटर बस के टाइप्स के बारे में, और लास्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर बस, ठीक है, कंप्यूटर बस के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर बस से। कंप्यूटर बस क्या है दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम एक स्थान से दूसरे स्थान बस के माध्यम से हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह से जो कंप्यूटर में बस होती है दोस्तों वो क्या करती है, आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उस रजिस्टर में क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है, डेटा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। तो इन्हीं डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर तक भेजने के लिए बस का यूज किया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर बस कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बताया कि हमको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो हमको क्या किसका यूज करना पड़ता है, बस के यूज करना पड़ता है, ठीक है, हम बस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होती है उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, उसमें डेटा का ट्रांसफर होता है, तो वो जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, बस के थ्रू होता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, कंप्यूटर बस कहलाती है। अब आप लोग को इसका जवाब मिल गया होगा कि कंप्यूटर बस क्या होती है, ठीक है। सेकंड है व्हाई इज कॉल्ड कंप्यूटर बस, ठीक है, क्योंकि हमको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है तो हमको बस की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से जो कंप्यूटर बस होती है वहां वर्क होती है इसलिए इसे कंप्यूटर बस कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बस के बारे में। कंप्यूटर बस कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर बस है वो मुख्य रूप से तीन टाइप्स के होते हैं, पहला है डेटा बस, सेकंड है एड्रेस बस और थर्ड है कंट्रोल बस। इस प्रकार से जो कंप्यूटर बस होती है वो मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं, पहला डेटा बस, सेकंड एड्रेस बस और थर्ड कंट्रोल बस, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डेटा बस के बारे में, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होती है उसके अंदर छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, उस रजिस्टर में डेटा का ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, डेटा बस कहा जाता है। जिस रजिस्टर में जो डेटा होती है उसको ट्रांसफर एक बस के थ्रू किया जाता है वही क्या कहलाता है, डेटा बस कहलाता है। अब सेकंड बस है दोस्तों एड्रेस बस। एड्रेस बस में क्या होता है, जैसे कोई प्रोसेसर है, ठीक है, उसका जो लोकेशन है, मेमोरी का जो लोकेशन है उसको एक निर्दिष्ट एड्रेस प्रदान करना होता है, ठीक है, प्रोसेसर से मेमोरी के लोकेशन तक एक निर्दिष्ट एड्रेस या पता पहुंचाना ही क्या कहलाता है या क्या करता है, एड्रेस बस का वर्क होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी घटक है या हमारे पास जो भी मदरबोर्ड है उसके जो भी घटक है, कंपोनेंट्स है, उन सारे कंपोनेंट्स के मध्य एक क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, इसे ही क्या कहा जाता है, कंट्रोल बस कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो बस होती है वो मुख्य रूप से तीन टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डेटा बस, सेकंड होता है एड्रेस बस और थर्ड होता है कंट्रोल बस, ठीक है, इसको आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर बस, ठीक है, जो कंप्यूटर बस होती है उसके कौन कौन से कार्य है, उनके कौन कौन से फंक्शन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो
जो फंक्शन होती है वो मुख्य रूप से चार प्रकार की फंक्शन होती है। जो कंप्यूटर बस की फंक्शन होती है उसमें मुख्य रूप से चार प्रकार की फंक्शन होती है। पहला क्या है, डेटा शेयरिंग। सेकंड क्या है, एड्रेसिंग। ठीक है, थर्ड क्या है, पावर सप्लाई। चौथा क्या है, टाइमिंग। इस प्रकार से जो कंप्यूटर बस होती है उसके अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से चार प्रकार की फंक्शन होती है। पहला डेटा शेयरिंग, सेकंड एड्रेसिंग, थर्ड पावर सप्लाई और चौथा है टाइमिंग। ठीक है, तो डेटा शेयरिंग में क्या होता है दोस्तों, इसमें डेटा का शेयरिंग होता है, डेटा का साझा किया जाता है। किसके अंतर्गत आता है, डेटा शेयरिंग के अंतर्गत आता है। यहां पर मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर बस। फंक्शन मतलब कंप्यूटर बस के कौन कौन से फंक्शन है। पहला क्या है, डेटा का शेयर करना, डेटा को शेयरिंग करना। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है, डेटा शेयरिंग, डेटा को शेयर करना। ठीक, सेकंड क्या है, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग जैसे कि आप लोगों को पता है, एड्रेस मीन्स होता है पता। ठीक है, एड्रेसिंग निर्दिष्ट करना। ठीक है, एक विशेष लोकेशन का एड्रेसिंग निर्दिष्ट करना एड्रेसिंग कहलाता है। थर्ड क्या है, पावर सप्लाई। ये जो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी घटक होते हैं, उनके मध्य पावर सप्लाई का फंक्शन किया जाता है, उनके मध्य पावर सप्लाई किया जाता है। ये क्या है, ये क्या कहलाता है, पावर सप्लाई कहलाता है। और जो टाइमिंग है दोस्तों, उनके बीच जो डेटा का ट्रांसफर होता है, उनके बीच जो टाइमिंग होती है उसको क्या करती है, मेंटेनेंस करने का काम करती है। तो इस तरह से कंप्यूटर बस वर्क करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को कंप्यूटर बस से संबंधित सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतने ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।